हेलो कमिश्नर साहब का फोन। हाँ जी कमिश्नर साहब, कैसे हैं आप? तुम कैसे हो सिद्धार्थ? मैं ठीक हूँ सर। तुमने आज अखबार तो पढ़ा होगा, धनीराम की मौत हो चुकी है। हाँ सर, बहुत बड़ा व्यापारी था वो, मैं भी वही पढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ इसकी जांच करने के लिए तुम उसके घर जाओ। ओके सर, मैं जा रहा हूँ। देखो सच बताओ, तुम्हें इस केस के बारे में क्या पता है? मैंने बस धनीराम को उसके घर में पड़ा देखा। देखो सच बता दो वरना मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो सर। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है। अरे राग, अरे सिद्धार्थ तुम आ गए? हाँ, मुझे तो आना ही था। इस केस के बारे में बताओ। हाँ, जो धनीराम है वो हमारे शहर का सबसे अमीर आदमी है। उसके तीन बेटे हैं, दीपक, पवन और सुनील। जो दीपक है वो तो एक लाख से लंगड़ा है, शायद वो कुछ इस केस में उसका कोई हाथ नहीं हो सकता। और जो पवन है वो मेडिकल कर रहा है, और जो सुनील है वो तो रात से गायब है। सुना है उसका झगड़ा हो गया सर रात उसके पापा। सबसे पहले मुझे डेड बॉडी दिखा सकते हो? हाँ, ये देखो इसकी गर्दन पर ये तो किसी तेज सुई मारने के निशान है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इसके तीनों बेटे सुन रहा हूँ। हाँ, दीपक ये दीपक का कमरा है, संभालो अपने आपको। मैं क्या करूँ, मैं तो आगे क्लास से लग रहा हूँ, मुझे कौन सवाल है? क्या तुम्हें किसी पर शक नहीं? दूसरे से? हाँ, ये तो दूसरा बेटा है। नमस्ते, क्या मैं तुम्हारा कमरा देख सकता हूँ? तो ये है तुम्हारा कमरा और ये तुम्हारी किताबें हैं, मैं इन्हें देख सकता हूँ? क्यों नहीं सर। सुनील कहाँ है? वो रात से गायब है, चलो उसके कमरे में देखकर क्या पता वो आ गया हो। दूर रहो, पड़े हो तो बताओ। देखिए सर, चाहे मैं रात से गायब था, भले मेरी अपने पिता से नहीं बनती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पिता की हत्या कर दूंगा। मुझे अपने पिता का बहुत अफसोस है। रो मत। अच्छा ठीक है, अब कोई पेन है क्या किसके पास? दीपक के कमरे में लेकर चलो मुझे अभी। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? चलो ये रहा देखो इसका कमरा। और ये क्या है? ये मेरी नींद की दवा है। और इस इंजेक्शन का क्या करते हो तुम? देखो हमें सच बता दो। मेरे पिता ये सारे पैसे उसके नाम पर कर रहे थे। क्या? लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे पता था ना। और फिर इसमें क्या है? ये क्या है, हम पूछ रहे हैं, ये क्या है? ये नींद की दवा है। देखो तुमने पैसों के लिए अपने पिता की हत्या कर दी। अच्छा, आप समझा रहे हैं।